जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी मन मंदिर में गुहा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म, जो ईश्वर परमात्मा प्रभु आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो प्रभु हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय श्री राम। साधु साधु, जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। एवमस्तु तथास्तु, एवमस्तु तथास्तु। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। एवमस्तु तथास्तु। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। ओम जय श्री राम। कहीं रीछ पति सुना हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हूं ताता तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हूँ भयों पर्वतकारा। राम सिया राम, जय जय राम श्री राम, जय जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम। जय जय श्री राम। प्रबशी नगर की जय सब काजा, हृदय ही राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करह मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह शक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम को। जो काम क्रोध मद और लोभ रत है और दुख रूप घर में अशक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभति सगुन जान नहीं कोय, सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभु ताई, कहूं जथामति कथा सुहाई। जही विद मोह भयो प्रभु मोही, सोई सब कथा सुनाऊं तो ही। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न रखाऊ काऊ। सुन सत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शरीरों का देने वाला है। ताते करही कृपा निध दूरी, सेवक पर ममता त
अति भूरी, जिमि शिशुतन ब्रन होए गोसाई, माँ तू चिराओ कठिन की नाई। जय जय श्री राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। ताते करही कृपा निद दूरी, सेवक पर ममता ति भूरी, जिमि शिशुतन ब्रन होए गोसाई, माँ तू चिराओ कठिन की नाही। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। प्रबशी नगर की जय, सब काजा हृदय हीरा आख कौशल पुर राजा, गरल सुधारी पुकार ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, जय जय राम सिनी राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जदपि प्रथम दुख पवई रोई बाल अधीर, व्याधि ना सहित जननी गणति ना शोषिर शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़ों को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर हरही माना हित लाग, तुलसी दास ही प्रभु कस ना भजऊं भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसी दास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते, ऐसे प्रभु श्री राम को हरि हर को भ्रम त्याग के क्यों नहीं भजते, ऐसे प्रभु को क्यों नहीं भजता जीव, ऐसे प्रभु का नाम सुमरन क्यों नहीं करता जीव। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूं खगेश सुनहूं मन लाई, जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त है तो लीला बहु करही। अमृत बरस रहा है, लूटने वाले लूट रहे हैं शब्द रूपी अमृत, और बाकी नदी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रह के प्यासे ही है, गंगा सागर में, गंगा में खड़े होके प्यासे हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम कृपा अपनी जड़ा ताई, कहूं खगेश सुनहूं मन लाई, जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त है तो लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात करता हूँ, मन लगा कर सुनिए। जब जब श्री राम चंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलोक हर शाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस पाच तहरहूं लोभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोट सत कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो रे गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी
इष्ट देव हैं, बालक रूप श्री राम चंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देव की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरी हरि संगा, देखूं बाल चरिता बहुरंगा। छोटे से कोवे के शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में दंडवत कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ईश्वर आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। एवमस्तु तथास्तु।